तिरुपति बालाजी मंदिर का आज शुद्धिकरण किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शांति होम और वास्तु पूजा की जा रही है। तिरुपति मंदिर को पंचगम यानी कि दूध दही घी गाय का गोबर और गोमूत्र से किया जा रहा है शुद्ध। रात 10 बजे तक चलेगी पूजा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी घी के मामले में जांच के लिए एसआईटी को सौंपी। आईजी एंग रैंक के अधिकारी को बनाया इंचार्ज। तिरुपति मंदिर में आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। प्रसाद में मिलावट और उससे उत्पन्न स्थिति पर होगा विचार। प्रसाद विवाद पर वाईएसआरसीपी चीफ रेड्डी ने पीएम मोदी को खत लिखा। सीएम नायडू पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्र धूमिलता करने के लिए आरोप लगाया। तिरुपति में लड्डू विवाद के बाद राजस्थान में आज से शुरू होगी प्रसाद की जांच। 26 सितंबर तक प्रसिद्ध मंदिरों से प्रसाद की होगी जांच। लखनऊ में एफएसडीए आज से शुरू करेगा नकली घी के खिलाफ अभियान। घी बनाने वाली कंपनियों के गोदाम पे सर्वे करेगी। अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में होगा संबोधन। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत। न्यूयॉर्क के नसाओ कोलिजियम में पीएम मोदी का मेगा शो। प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा कि एआई यानी कि अमेरिका और भारत दुनिया के नए सुपर पावर। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए जताया सभी का आभार। कहा नमस्ते भी लोकल से ग्लोबल हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा से भरा हुआ देश है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत 10वें से 5वें नंबर के इकोनॉमी वाला देश बना। पीएम मोदी ने कहा भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना और गति के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी बोले 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों की मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत बना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G बाजार अमेरिका से बड़ा है। भारत रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। मोदी ने कहा वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया चिप अमेरिका में देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद सभी का किया अभिवादन। लोगों में मोदी की फोटो लेने की होड़। अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज। नासाओ वेटरन्स कॉलेजियम में पीएम के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय समुदाय के कलाकार पारंपरिक डांस करते दिखे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर जाएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और जनसभा में युवाओं को बांटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। दिल्ली की नई सीएम आतिशी आज सुबह 11 बजे सीएम हाउस में चार्ज लेंगे। आज पहली कैबिनेट की बैठक में ले सकती हैं आतिशी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत। कहा कि मुझे बेईमानी बताने की साजिश की गई है। अरविंद केजरीवाल का जनता से सवाल पूछा जेल भेजने वाले चोर हैं या मैं। जनता बताए कि ईमानदार हूं या बेईमान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का तंज। दिल्ली की सरकार मनमोहन सरकार की तरह रिमोट से चलेगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को रैली की। बोले अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला हम फिर से सुप्रीम कोर्ट आएंगे 370 वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र से सवाल जब चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला को राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान से बात कैसे हो वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जम्मू में एयरपोर्ट रोड पर पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला ने निशाना उमर के पहले दिए गए बयान और बाद में उससे यू टर्न लेने को लेकर पूछे गए सवाल। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर बोले मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस ने जैसा व्यवहार किया है कोई भी खुददार व्यक्ति अगले कदम के बारे में सोचेगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। बोले हुड्डा साहब अपने लड़के को बिना योग्यता के सीएम बनाना चाहते हैं लेकिन युवाओं को योग्यता से एक नौकरी तक नहीं लेने देना चाहते। सीएम सैनी बोले हुड्डा के चहतों और कांग्रेस उम्मीदवारों का एक ही संकल्प है कि नारा नौकरी में हिस्सा हमारा। सोनीपत में बोले सीएम योगी डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का बहुत विकास हुआ। मुंबई में उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर रश्मि ठाकरे के भावी सीएम बनने के पोस्टर लगाए गए बाद में आनंद फानन में हटाए गए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आज मुस्लिम समाज निकालेगा मोर्चा। रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकालेंगे रैली। अमेठी के जायस थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस के ओर से बदमाश को गिरफ्तार किया गया। तमंचा और कारतूस बरामद। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को पकड़ा। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पंजाब के भटिंडा में मालगाड़ी डिरेल होने से बचा। ट्रैक पर रखा था लोहे का सरिया। शतरंज ओलंपियाड में भारत ने इतिहास रचा। पुरुष और महिला टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया। महिला टीम ने अजरबैजान को दी शिकस्त। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क के संबोधन में जिक्र किया। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत। बांग्लादेश को 280 रनों से रौंदा। जयपुर में रिया सिन्हा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के ताज से नवाजा गया। कार्यक्रम में हुई कई हस्तियों की शिरकत।